हेलो दोस्तों, मैं नाम शाहरुख और आप देख रहे हैं सारगर टेक्निकल। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करें एम्पायर वॉल बैटरी स्पीड एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, एप्लीकेशन है क्या और किस प्रकार से काम करेंगे इस वीडियो में, इस एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। वीडियो कहीं भी अच्छा लग जाए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो वी ऑलवेज मेकिंग इन चार्जिंग एम्पायर इसके अंदर दिखाई देगा गाइस, जिसके अंदर यहाँ पे आप जो कि चार्जिंग डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे आप वोल्टेज वगैरह को सेट कर सकते हो। इसके अंदर परसेंटेज बैटरी कितनी होती है सभी चीज़ें दिखाई देंगे। फिक्सर टाइम वगैरह भी आप इसके अंदर एडिंग कर सकते हो। इसके अंदर गाइस ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। बैटरी हेल्पलाइन ऑप्शन दिखाई देगा, हेल्प होम ऑप्शन इसके अंदर गाइस, इसके अंदर बैटरी लेवल ऑप्शन है, इसके अंदर मोनिटरिंग ऑप्शन दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको रेटिंग की बात करूँ तो 4.4 की रेटिंग अवेलेबल से गाइस। इसके अंदर एम्पियर दिखाई देगा आपको, जो कि बैटरी एम्पियर होता है जो कि रियल टाइम वगैरह होगा। इसके बाद दोस्तों वोल्टेज वगैरह दिखाई देगा यहाँ पे। वोल्टेज वगैरह के बाद टेम्परेचर वगैरह भी इसके अंदर दिखाई देगा, जो कि बैटरी टेम्परेचर यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से आपको चार्जिंग स्पीड और एम्पियर और बैटरी ऑप्शन दिखाई देगा। तो चलिए करते हैं, मैं एप्लीकेशन को ओपन कर आपको बताता हूँ इस एप्लीकेशन का यूजिंग साइट। गाइस कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पे आपको दिखाई देगा इसके अंदर एम्पियर वॉल के अंदर इस प्रकार से रियल टाइम। एंड रियल टाइम के अंदर आप देख सकते हैं अभी कितने बज रहे हैं, यहाँ पे 10:23 हो रहे हैं। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कितने पर से एम्पियर कितने हो रहे हैं, कितने यहाँ पे दिखाई दे रहा है माइनस एम्पियर प्लस एम्पियर कितना हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज वगैरह दिखाई देगा, जो कि बैटरी वोल्टेज कितना है यहाँ पे इस प्रकार से। यहाँ पे आपको जो कि यहाँ इसके अंदर टेम्परेचर वगैरह दिखाई देगा, टेम्परेचर वगैरह कितना है अभी का यहाँ पे इस प्रकार से टेम्परेचर वगैरह दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैटरी हेल्पलाइन कितनी है, यहाँ पे बैटरी लेवल्स कितनी है, जो कि परसेंटेज के हिसाब से दिखाई देंगे यहाँ पे इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा आपको डिस्चार्जिंग ऑप्शन के अंदर। बाद यहाँ पे आपको इस प्रकार से गुड हेल्थ वगैरह यहाँ पे इस प्रकार से आएगा। मैक्सिमम क्या हेल्पलाइन कितनी है यहाँ पे इस प्रकार से ये भी दिखाई देगा, किस कंपनी का मोबाइल यूज़ करते हैं यहाँ पे इस प्रकार से आपको वो ऑप्शन दिखाई देगा। आपका मॉडल्स नंबर क्या है तो इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। स्टार्ट ऑप्शन करने के लिए यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पे इस प्रकार से डिस्प्ले अलवेज कर देना है। एंड इस प्रकार से स्टार्टिंग ऑप्शन आएगा, यहाँ पे इस प्रकार से स्टार्ट ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस प्रकार से आपको अगर टेम्पलेट वगैरह सेट करना है, जैसे कि अपन इस प्रकार से टाइमर के अंदर टाइमर डिस्प्ले वगैरह सेट करना है, तो यहाँ पे इस प्रकार से सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग के बाद करो तो अपग्रेडिंग ऑप्शन अवेलेबल से थंबनेल ऑप्शन दिखाई देगा। थीम्स वगैरह के अंदर यहाँ पे ऑलवेज डिस्प्ले ऑन कर चुका हूँ यहाँ पे। बैटरी चार्जिंग लिमिटेड नोटिफिकेशन वगैरह को ऑन करना चाहते हैं तो उसको भी ऑन कर सकते हो। हाइड स्लो में यहाँ पे जिसके अंदर हाइड्रेट वगैरह जो कि नोटिफिकेशन वगैरह आपको दिखाई देगा। डिम स्क्रीन ऑप्शन यहाँ पे, टेम्परेचर वगैरह बैटरी सेवर ऑप्शन ऑन होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शनिंग अवेलेबल से गए, जिसके अंदर इसके यहाँ से यूज करके आप अपने मोबाइल के अंदर टेम्परेचर वगैरह को सेट करके यहाँ पे तरीके से इसको यूजिंग कर सकते हो दोस्तों। तो इस प्रकार से इस एप्लीकेशन का यूजिंग साइड का। वीडियो अच्छा लगा वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।